मंदसौर जिला धनगर गायरी समाज ने मुख्यमंत्री के नाम दिया एसडीएम को ज्ञापन। नीमच जिले में लापरवाही के कारण हुई महिला की मौत के विरोध में मंदसौर पुरानी तहसील पहुंचकर आज जिला धनगर गायरी समाज द्वारा एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया है। एसडीएम बिहारी सिंह को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम और मांग की गई है कि अमरपुरा तहसील रामपुरा जिला नीमच में धनगर गायरी समाज की बेटी विद्या देवी पति सत्यनारायण धनगर की डिलीवरी के दौरान शासकीय चिकित्सालय रामपुरा की लापरवाही के कारण मृत्यु हुई है। मृतक विद्याबाई के परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता और लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए, उसको लेकर ज्ञापन दिया है। लगातार देखने में आ रहा है कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे के कोई काम कर्मचारी नहीं करता, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे जिला अस्पताल हो, चाहे कोई भी विभाग हो, सभी विभाग में इसी प्रकार से भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते। ऐसी घटना अमरपुरा तहसील रामपुरा जिला नीमच में हुई है। वहां पर नर्सों द्वारा पैसे मांगे गए और लापरवाही के कारण वहां पर धनगर गायरी समाज की बेटी की मौत हो गई। समाज और परिवार में काफ़ी आक्रोश है और कहा कि 2 से 3 दिनों में मांगों को पूरी नहीं की गई तो समाज के लोग मीटिंग पर उग्र आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी दी गई है। गर्भवती महिला विद्याबाई 29 अगस्त 2021 को तड़पती रही पर जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, उस कारण से मृत्यु हुई है। ऐसे लापरवाह लोगों पर प्रशासन कठोर कार्यवाही करे, नहीं तो धनगर गायरी समाज 10 तारीख के बाद उग्र आंदोलन करेगा। अमरपुरा तहसील रामपुरा जो नीमच जिले में एक गांव है, वहाँ हमारी समाज की एक बहन थी जिसको रामपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सरकारी नर्स द्वारा उससे पैसे की मांग करी दी गई थी, उसके परिवार द्वारा पैसा नहीं दिया गया था तो उस नर्स की लापरवाही से उसकी मृत्यु हो गई है। तो समाज ये चाहती है कि उसके परिवार को 25 लाख की आर्थिक सहायता मिले और जो वहाँ के दोषी उन पर कार्रवाई हो। नीमच जिले के रामपुरा तहसील की विद्याबाई प्रसव के दौरान शासकीय अस्पताल जिनको ले जाया गया तो वहाँ उपस्थित ड्यूटी पर जो नर्स थी उसने पैसे की मांग करी, परिवार के पास उस समय पैसे नहीं थे, पैसे नहीं दिए गए तो उसने उपचार नहीं किया, रात भर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही और सुबह जो है उसका प्राणांत हो गया। इस ये घोर जो है अमानवीयता है, संवेदन शून्यता है और हर इंसान के जीवन का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। हम समाज ये मांग करता है कि उपचार में और जो कोताही की गई पैसे के लालच में जो 2 मासूमों की जान जिन डॉक्टर की लापरवाही से हुई उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको 25 लाख की क्षतिपूर्ति दी जाए। ये ज्ञापन दे करके आज धनगर समाज जिला मंदसौर युवा और वरिष्ठ दोनों की तरफ से दिया गया है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति बैठ करके बनाई जाएगी। जब तक अपराध के दोषी डॉक्टर को सजा नहीं मिलेगी और उसको मुआवजा नहीं मिलेगा पीड़ित परिवार को, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।